दिवाली जैसे बड़े त्योहार के अवसर पर बाजार में मिठाइयों और बेकरी पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते इन खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर दुर्ग जिले के भिलाई से निकलकर सामने आई है, जहां बिना लेबल वाले पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है। बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बेकरी वाले लोग सिर्फ समाप्ति की डेट लेकर खाना पूर्ति करते रहे हैं। आपको बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के FSSAI के नियमों के तहत खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस नंबर और तारीखें अनिवार्य हैं, लेकिन बेकरी में FSSAI के नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है। वहीं जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खाद्य औषधि प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। अभी आपके माध्यम से ये मेरे संज्ञान में आया है, मैं खाद्य विभाग को इसको सूचित करूँगा। मुझे लगता है कि वो समय समय पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में उनके पास अमला नहीं होने के कारण और त्योहारी सीजन में जो अत्यधिक मात्रा में इस तरह के अनुपयुक्त रंगों का इस्तेमाल हो सकता है, इस पर शायद वो पूरी तरह अकेले नहीं कर पा रहे होंगे। मैं अभी फिर से उनको संवेदनशीलता के साथ सब दुकानों में जाके सर्वे करने की नोटिस दूंगा।